वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर वॉचिंग योर ओन चैनल AS क्लासेस। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल AS क्लासेस और मैं सुख शर्मा। फिर आज हम लेकर एक और नया एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के लिए। ये जो हमारा एजुकेशनल वीडियो है, ये क्लास 10 सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनकी NCERT की बुक हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर से रिलेटेड बोर्ड में हमारे जो मैप के क्वेश्चन आते हैं, आज वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर से रिलेटेड कौन से मैप आइटम्स हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे जो मैप आइटम्स हैं, इन मैप आइटम्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। ये हमें इंडिविजुअली अलग अलग टॉपिक्स के बेसिस पर तैयार करते हैं। सबसे पहला हमारा जो है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। क्लियर? जो हमारा नेशनलिज्म का मूवमेंट था, जो हमारा मूवमेंट डिफरेंट काइंड के स्टार्ट किए गए थे गांधी जी के थ्रू, उस पर्टिकुलर पीरियड में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके जो सेशन थे, वो सेशन कहाँ हुए और किस चीज से रिलेटेड है, यही हमारे मैथ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज है। यानी कि ऑलवेज क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जाएगा कि ये वाला सेशन कब हुआ, वो सेशन बताइए जहां पर ये जो थिंग थी, ये जो डिमांड थी, ये सेलेक्ट की गई, क्या डिसाइड किया गया, ये चीजें पूछी जाती है। तो सबसे पहले तो पहले बच्चों देख लेते हैं आखिर हमारे कौन से सेशन हैं जो बोर्ड के द्वारा बोर्ड ने प्रेस्क्राइब किए हैं। तो सबसे पहला तो जो सेशन है वो है कलकत्ता सेशन, ठीक है प्यारे बच्चों। ये कलकत्ता सेशन कब हुआ था हमारा? सितंबर 1920 को। आपको ये डेट भी याद होनी चाहिए क्योंकि डेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन फ्रेम होके आएगा। इसके बाद हमारा जो सेकेंड है वो है नागपुर सेशन, नागपुर सेशन। और ये नागपुर सेशन क्या है, कब हुआ था? दिसंबर 1920 में। और हमारा जो थर्ड तीसरा सेशन है वो है मद्रास सेशन, ठीक है। और ये जो मद्रास सेशन हुआ था, ये हुआ था दिसंबर 1927। अब इन तीनों से रिलेटेड जो बोर्ड में हमसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाएगा वो हमें याद होना चाहिए। जैसे जो कलकत्ता सेशन था, यहां पर डिसाइड हुआ था स्वराज SAN, यानी कि कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने सितंबर 1920 को जो सेशन हुआ था कलकत्ता में, वहां पर स्वराज की जो डिमांड थी वो रखी थी, यानी स्वराज की जो डिमांड थी वो डिसाइड की थी। इसके बाद जब हम नागपुर सेशन की बात करते हैं, तो नागपुर सेशन वो सेशन था जहां पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एडॉप्ट किया गया। क्लियर? ठीक है मेरे बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि नागपुर सेशन में कांग्रेस लीडर्स ने क्या डिसाइड किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया जाएगा, और ये कब हुआ? दिसंबर 1920 को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है मद्रास सेशन, और इस मद्रास सेशन में जो कांग्रेसी लीडर्स थे उन्होंने फुल इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की थी। क्लियर? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए।
क्लियर है। तो ये टोटल हमारे 3 सेशन थे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे, बट ये 3 सेशन आपको इनके इवेंट के बेसिस पर याद होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर हमारा क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होगा। क्लियर। तो फटाफट से पहले बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट वो पोर्शन जो इस चैप्टर में से मैथ के लिए पूछा जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पोर्शन को देखते हैं। और वो जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है वो है इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे वो हम लोगों को पता होने चाहिए। टोटल मिला के यहाँ पर जो 6 इवेंट थे वो हमें देखने और ध्यान रखने। ठीक है, तो चलिए एक एक करके उन 6 इवेंट्स को भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो इवेंट था वो था हमारा चंपारण। कहाँ पर स्थित है बच्चों? ये बिहार में स्थित। ठीक है, और चंपारण बिहार में गांधी जी ने सबसे स्टार्टिंग में जो सत्याग्रह मूवमेंट किया था वो किसके लिए किया था? वो किया था इंडिगो फार्मर्स के लिए। ये आपको पता होना चाहिए, किसके लिए? इंडिगो फार्मर्स के लिए। ठीक है, आपको याद होगा कि जो इंडिगो फार्मर्स थे उनकी जो कंडीशंस थी वो अच्छी नहीं थी, उनके द्वारा जबरदस्ती उनसे इंडिगो जो है वो उगवाई जाती थी, जिसकी वजह से जो जमीन थी वो बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाती थी और उससे फार्मर्स को नुकसान हो रहा था। क्लियर। तो गांधी जी ने उनको सपोर्ट करने के लिए वहां पर एक सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया इन 1916। स्टार्टिंग में हमने चैप्टर में पढ़े थे तीन मूवमेंट 1916, 1917 एंड 1918। वो तीनों ही मैथ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है और ऑलरेडी मैं आपको अपनी वीडियो में वो बता चुका हूँ। ठीक है, और मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन वही इवेंट में आएगा। तो यहाँ पर कौन सा सत्याग्रह मूवमेंट था? इसके फेवर में इंडिगो फार्मर्स के फेवर में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट बयान बच्चों। सेकेंड था हमारा चंपारण बिहार के बाद कौन सा? खेड़ा। ठीक है, खेड़ा कहां पर स्थित है पहले बच्चों? गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। ठीक है, और यहां खेड़ा में क्या हुआ था? यहां भी पीसेंट के लिए एक सत्याग्रह किया था गांधी जी ने। तो कौन सा था? पीसेंट सत्याग्रह। और ये क्यों हुआ था बच्चों? ये हुआ था रेवेन्यू के अगेंस्ट में, जो रेवेन्यू थे वो हाई होते जा रहे थे और जो फार्मर्स थे वो रेवेन्यू पे करने की कंडीशन में नहीं थे, इसी वजह से गांधी जी ने वहां पर एक मूवमेंट स्टार्ट किया उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड जो हमारा है वो है अहमदाबाद। ये अहमदाबाद कहाँ है बच्चों? ये भी हमारे गुजरात में स्थित है। ठीक है, और ये भी आपको पता होना चाहिए अहमदाबाद में जो मूवमेंट स्टार्ट किया था गांधी जी ने वो किसके लिए था? मिल वर्कर्स के लिए। किसके लिए? कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। ठीक है, आप जानते हो कॉटन मिल वर्कर्स की जो वेजेस थे वो कम थे, उनकी वर्किंग कंडीशंस थी जो वो खराब थी, उनसे ज्यादा वर्किंग आवर्स काम कराया जाता था, तो उनको सपोर्ट करने के लिए उनको सही राइट दिलाने के लिए गांधी जी ने एक मूवमेंट सत्याग्रह स्टार्ट किया था
जो कि अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। क्लियर, ये तीन हमारे स्टार्टिंग में दिए हुए बुक में चैप्टर्स में 1916, 1917 और 1918। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है बच्चों, वो है हमारा चौरी चौरा। ठीक है, और ये चौरी चौरा कहाँ है, गोरखपुर यूपी में। ठीक है, कहाँ पर, गोरखपुर यूपी में। यहाँ पर क्या हुआ था, ये वो इंसिडेंट था चौरी चौरा का यूपी में, जहां पर कुछ सिविलियंस ने वो पुलिस वालों को उनकी पुलिस स्टेशन में बंद कर आग लगा दी थी। यानी एक वायलेंट इवेंट हुआ था, जिसकी वजह से गांधी जी ने क्या था किया था, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको वापस ले लिया था। तो हमें लिखते हैं कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, याद रखना है आपको ये, क्योंकि क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएगा। इसके बाद क्या है बच्चों, एक और हमारे अमृतसर कहाँ है, पंजाब में। ठीक है, और ये अमृतसर पंजाब में क्या हुआ था आप अच्छी तरह जानते हो, बहुत बड़ा जलियांवाला बाग। क्लियर, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर क्वेश्चन बनेंगे। और लास्ट क्या है बच्चों, वो लास्ट हमारा क्या है, डांडी, यहां पर क्या हुआ था, डांडी पहले तो ये समझ लेते कहाँ है, डांडी हमारा गुजरात में। ठीक है, और यहां पर क्या हुआ था, एंडिंग ऑफ सॉल्ट मार्च। ठीक है, यहां पर गांधी जी ने जो सॉल्ट मार्च दांडी यात्रा स्टार्ट की थी, उस दांडी यात्रा की एंडिंग हुई थी। याद है ना, अपने आश्रम साबरमती से उन्होंने शुरुआत की थी और दांडी में जाकर उसको समाप्त किया था। लगभग 78 वॉलंटियर के साथ ये स्टार्ट हुई थी और लगभग 240 माइल्स का डिस्टेंस इसके बीच में कवर किया गया था। क्लियर करें बच्चों, तो ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में मैथ के लिए आएंगे, यानी मैथ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये सारे आपको ध्यान से देखने, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसको मैप पर प्लॉट कर देखेंगे। ठीक है, हो गया बच्चों। तो चलिए अब इंडिया के मैप पर इन सभी क्वेश्चंस को प्लॉट करके देखते हैं, आखिर ये सारे के सारे हैं कहाँ। वैसे तो क्लियर मैंने आपको बता दिया है कौन सा इंसिडेंट कौन से स्टेट में हुआ है, कौन सा कांग्रेस का सेशन कौन से स्टेट में है, बट फिर भी आपको मैप पर एक प्रॉपर प्लेस पता होना चाहिए जहां पर आप इसको इंडिकेट करोगे। तो चलिए सबसे पहले तो एक इंडिया का मैप बना लेते हैं और फिर उसके बाद इसको प्लॉट कर देखते हैं। ये बन गया पहले बच्चों हमारे इंडिया का मैप जिस पर हमको ये प्लॉट करना है। तो एक चीज ध्यान रखना, हमारे एग्जाम में ऑलवेज हमको पॉलिटिकल मैप दिया होगा और उस पॉलिटिकल मैप में ही हमको ये सारे इंडिकेशन शो करने। तो सबसे हमारा पहले कलकत्ता, तो कलकत्ता वाला जो सेशन था वो यहाँ, यानी कि वेस्ट बंगाल में कर लेंगे।
अब हुआ था क्या बच्चों, सितंबर 1920 में, क्लियर। उसके बाद नागपुर, और नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो आपने देखा होगा महाराष्ट्र का जो हमारा मैप है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एकदम एंड में जाके क्या शो करना है, यहाँ पर जाके आपको शो करना है नागपुर, ठीक है, नागपुर सेशन। ये कब हुआ था पहले बच्चों, दिसंबर 1920 में, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो है वो मद्रास, तो मद्रास के लिए आपने देखा होगा यहाँ पर इस तरीके से हमारा इंडिया का वो बना हुआ है, तो इस कोने पे हमको शो करना है मद्रास, क्या, मद्रास सेशन। ये कब हुआ था हमारा, दिसंबर 1927 में, क्लियर बच्चों। तो ये तीनों हमारे सेशन है जो हम लोगों ने प्लॉट कर लिए। अब इसके बाद हमको देखना है नेशनल मूवमेंट के। नेशनल मूवमेंट में सबसे पहले हमारा चंपारण बिहार था, तो आपने देखा होगा बिहार में यहाँ पर हमारा इस तरीके से मुड़ता है और यहाँ यूपी के लिए मुड़ जाता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, इस पर्टिकुलर प्लेस पर कोने में और इसके एकदम अपोजिट कोने में ध्यान रखना है। यूपी में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर चौरी चौरा, चौरी चौरा, ठीक है, कहां पर, यूपी में। और बिहार में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर चंपारण, ठीक है, बिहार, क्लियर, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ये हमारे मैप से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं अमृतसर वाली, तो अमृतसर हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा पंजाब का एक ऐसे बॉर्डर है, तो यहाँ पर कोने में एकदम पाकिस्तान की साइड हमको यहाँ पर क्या करना है, अमृतसर प्लॉट करना है, ठीक है, यहाँ पर पंजाब में। हो गया पहले बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सारे के सारे लौट पे किधर आ जाते हैं, गुजरात की तरफ आ जाते हैं, जो कि हमारे तीन मेन क्वेश्चन जो है वो गुजरात से ही आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले अहमदाबाद मिल वर्कर्स के बारे में बात करते हैं, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं और दंडी के बारे में बात करते हैं, ये तीन हमारे इम्पोर्टेंट है। तो जब हम लोग यहाँ पर कोने में आपने देखा होगा इंडिया का मैप मोड़ता है पॉलिटिकली, इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पर हमें प्लॉट करना है क्या, अहमदाबाद, और उसके जस्ट नीचे इधर कोने में यानी डॉट एकदम मुड़ता है वहीं पर हमको प्लॉट करना है क्या, खेड़ा, क्लियर, अहमदाबाद यहाँ पर खेड़ा, और प्यारे बच्चे दोनों ही कहाँ पर है, गुजरात में, कर लेंगे प्लॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में बात करते हैं दांडी की, जो कि हमारा एकदम एंडिंग पॉइंट है, क्लियर। वो कहां पर है, जहां महाराष्ट्र का हमारा बॉर्डर है, महाराष्ट्र और गुजरात की एंडिंग है, वहां पर नीचे कोने में हमें यहां प्लॉट करना है दांडी, ठीक है, दांडी जो कि कोस्टल रीजन है, ठीक है, ये भी कहां है, गुजरात में। हो गए पहले बच्चों सारे के सारे आपके मैप के क्वेश्चंस प्लॉट हो गए। इसके अलावा इस वीडियो में ये सारे के सारे पॉलिटिकली मैप है, मैं एंड में अटैच कर रहा हूँ, आप उसको वहां से देख सकते हैं। वैसे तो मुझे लगता है यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा, फिर भी कोई डाउट होगा तो आप उसमें उसको देख सकते हैं, क्लियर। ये थे हमारे चैप्टर 3 से रिलेटेड मैप के क्वेश्चन, आप इसको फटाफट से स्क्रीन शॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हमारा चैप्टर जो 3 है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है, क्लियर करें। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल AS क्लासेस।